सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय एकता को समर्पित मोटरसाइकिल यानी कि बुलेट रैली का दिनांक 15 सितंबर 2022 को बारा टोल प्लाजा में माउंटेन व्यू विद्यालय के प्रबंधक श्री दिनेश महाजन ने एवं विद्यालय के बच्चों ने भारतीय तिरंगे झंडे एवं फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। जी हाँ, आपको बता दें 72 सदस्य कमांडो की टुकड़ी जिसमें वीरांगनाएं सीमा भवानी एवं बीएसएफ जवाब मोटरसाइकिल टीम ने विद्यालय परिसर में अपने कर्तव्य दिखाकर विद्यालय के बच्चों को प्रेरणा दी। यह टीम 26 जनवरी को राजपथ की शोभा बढ़ाती है। बीएसएफ टीम लीडर मनोज चौहान ने और उनकी पूरी टीम का फूल मालाओं राष्ट्रीय झंडों एवं स्वागत गीत गाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें मेजर सुनील बीएसएफ हेड मनोज चौधरी, चुरनजीत सिंह, सोनाली बरनाल आदि सबने मिलकर बच्चों को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। इस मोटरसाइकिल रैली उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय प्रेम को बढ़ावा देना है। युवाओं को सीमा सुरक्षा बल के कार्यों, जिम्मेदारियों, नशे के विरोध में जागरूक करने के लिए प्रेरित और बल के साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए अपनी सेवा देने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधिका डॉक्टर पूरम गुप्ता, प्रधानाचार्य नीता चतुर्वेदी, अमित, वरुण सिंह, प्रशांत आदि शिक्षक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।